नमस्कार, ये तस्वीर आप देख सकते हैं करनाल के गांव शामगढ़ की है, जहां पर पंचायती जमीन पर एक छोटी जो है मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति लगाई गई थी और यहां पर पूजा पाठ लोग करते थे। लेकिन जो है आज सुबह जब देखा जाता है तो ये मूर्ति यहां पर नहीं मिलती है और उसके आप देख सकते हैं कुछ टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए जरूर हैं, खंडित कर दी गई और मूर्ति को यहाँ से गायब भी कर दिया जाता है, मूर्ति नहीं मिलती है। लगभग 2 घंटे तक जो है पुलिस के साथ ग्रामीण मूर्ति को ढूंढते हैं, तब जाकर जो मूर्ति के कुछ अंश है वो पास के ही तालाब से बरामद हुए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि शामगढ़ गांव की ये तस्वीर है, जहां पर जो हनुमान मंदिर यहां पर बना हुआ था, मूर्ति रखी हुई थी, उसको कुछ शरारती तत्व रात के समय शायद खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, जिसके बाद गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आपको जरूर नजर आ जाएगी। हालांकि यहाँ पर एक माता जी हैं, हम उनसे थोड़ी जानकारी जरूर लेंगे। कल झगड़ा हुआ था भाई, बोला थे हाथ दीवाने लगाओ। अच्छा, फिर यही मारन आए, फिर हम बैठ दिए सवेर, फिर पाई होनी मूर्ति। अच्छा, परसों का झगड़ा कर रखा, 3 दिन हुए। तो कौन सा मंदिर था यहाँ? हनुमान बालाजी। बालाजी, हाँ हनुमान बालाजी। कब से है मंदिर? मंदिर हो गए 6-7 साल हो गए। अच्छा, हाँ। तो क्या लड़ाई क्या हुई थी कल? वो समन आए इनके, भाई मंदिर बनन दो, पंचायती जमीन आया। अच्छा, अते परसों को समन आ रहे होंगे तो मर तो बोले मन तो तस्वेरी मूर्ति ठाई, फिर सारी बात थोड़ी बोल दिया कर है भाई तस्वेरी मन। अच्छा, फिर थाने में गह रहा सारे वहाँ गेर दी जोड़ माँ, 3 टुकड़े करका नहीं वहाँ। अच्छा, अब है उठा ली? उठा कर लेके पुलिस आ रहे ऐसे, वहाँ कतला पड़ा वहाँ पड़ा वहाँ पड़ा इस ऐसे, वहाँ ले जाकर गिर 3 टुकड़े। अच्छा, हाँ पुलिस वाले ले काट का ले गए पुलिस वाले, उन्होंने टोई देखी फिरे, हम तो यहाँ अंदर पड़े नहीं, पुलिस वाले आए जी भी यहाँ मूर्ति नहीं थी है, गांव के ना रखवाई थी, फिर दूसरा सरपंच बन गया, उन्होंने बनवाई नहीं है, एक ने पहले फिर सरपंच ने रखवाई थी तीसरे ने। फिलहाल शामगढ़ गांव में जो है पुलिस फोर्स जरूर तैनात की गई है, पंचायती ये जमीन बताई जा रही है, जिसको लेकर मामला भी कोर्ट में चला हुआ है। हालांकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि भगवान हनुमान की मूर्ति जो है वो तोड़ दी जाती है और टुकड़े जो हैं वो तालाब में फेंक दिए जाते हैं, उस कुछ जो टुकड़े हैं वो पुलिस अपने साथ जरूर लेकर गई है। लेकिन पूरे गाँव में कहीं ना कहीं एक तनाव का माहौल जरूर है, जिसको देखते हुए पुलिस जो फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है। हालांकि जो पंचायती ये जमीन है और जो मूर्ति को ढूंढने का काम पूरे 2 घंटे तक जो है ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिसके बाद इसके मंदिर के जो बिल्कुल पीछे ही तालाब है वहाँ पर से मूर्तियाँ जो है ये बरामद होती है। मौके पर जो ग्रामीण पहुँचे हुए थे उन्होंने पंचायती ज़मीन पर जो है कब्जे के भी आरोप लगाए कि दूसरा पक्ष कब्जा करना चाहता है और ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। पंचायती जमीन होने के चलते ही उन लोगों ने यहाँ पर कुछ समय पहले पूजा पाठ के लिए हनुमान की मूर्ति की स्थापना की थी, और जबकि दूसरा पक्ष जो बताया जा रहा है जिनके ऊपर ग्रामीण आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो इस बात से खुश नहीं है, उनका ऐसा कहना है। ऐसे में कई बार इस मूर्ति को उखाड़ फेंकने की धमकी जो है वो दे चुके हैं और कल शाम को उन्होंने मूर्ति को यहाँ से उठाने की बात जो है कहीं ना कहीं कही थी, जिसके चलते और अब आज सुबह जो है मूर्ति यहां पर नहीं मिलती है। ऐसे में फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, हर पहलू पर गहनता से जांच जो है पुलिस कर रही है। अपील आप लोगों से है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कहीं ना कहीं एक ऐसा मामला सामने आता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कभी सभी को कहीं ना कहीं जो है शांति बनाए रखने की अपील भी साथ साथ की जाती है कि इस तरीके के मामले जो धार्मिक मामले होते हैं उसमें बहुत ही जो है कहीं ना कहीं शांतिप्रिय ढंग से अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि एक मूर्ति जिन लोगों ने भी हटाई है तोड़ी है अपने आप में कहीं ना कहीं एक गलत बात ज़रूर है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या जानकारी मिली थी मतलब मूर्ति? कुछ नहीं जी, गांव में सुबह यही हुआ था जी, भी मूर्ति जो है हनुमान जी की किसी ने तोड़ दी है, तो अभी पुलिस वाले उसको बरामद करके ले गए हैं, टुकड़े उसके टुकड़े मिले। हाँ जी, इसमें तालाब के अंदर से टूटी पड़ी। हाँ जी, टूटे हुए। अच्छा, टुकड़े तालाब के अंदर फेंक दिए थे। हाँ जी। अच्छा, तालाब के अंदर मिले हैं छोटे छोटे टुकड़े। ये क्या मंदिर बनाया जा रहा था यहाँ पर? मंदिर बनाया जा रहा था, ये इस जो है ना जगह पंचायत की थी ये। अच्छा, तो साथ वालों ने किसी ने मतलब इसकी एप्लीकेशन दे के इसको रुकवा रखा था अभी। अच्छा, निर्माणाधीन मंदिर था ये। अच्छा, 3-4 साल से पड़ा है ऐसे, मतलब जगह के ऊपर थोड़ी। हाँ जी, जगह के ऊपर झगड़ा था। झगड़ा था थोड़ा। हाँ जी।
मंदिर निर्माण दिन था। हाँ जी, तभी बना नहीं रहे थे पूरी। हाँ जी, तभी बन नहीं रहा था। पंचायती जमीन थी और झगड़ा इनके कारण था, मतलब ये जो साथ में जिनके प्लाट है लगते जगह है। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ कब से थी ये कम से कम 4 साल से। 4 साल।